अब ये सर्दी की सीजन में स्वास्थ्य के लिए कुछ बातें जान लेना चाहिए। अभी 2 महीना शरीर को ऐसा मजबूत बनाओ ताकि 10 महीने आने वाले रोग प्रतिकारक शक्ति से संपन्न हो जाए शरीर। गरीब से गरीब आदमी भी अपने शरीर को मजबूत बना सके ऐसा उपाय। 1.5-2 महीना खाए कैसा भी कमजोर है रुष्ट पुष्ट हो जाएगा। अब ये सर्दी की सीजन में स्वास्थ्य के लिए कुछ बातें जान लेना चाहिए। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहे। अभी 2 महीना शरीर को ऐसा मजबूत बनाओ ताकि 10 महीने आने वाले रोग प्रतिकारक शक्ति से संपन्न हो जाए शरीर। सुबह 10 से 17 मिनट सूर्य के किरणों का सेवन करना बड़ा हितकारी है। गरीब से गरीब आदमी भी अपने शरीर को मजबूत बना सके ऐसा उपाय बताया गया था पहले, अभी फिर से बोलता हूँ। यहाँ आया हूँ तो पहले बोला हुआ है, 50 ग्राम चने भिगा दिया और भीगे हुए चनों में थोड़ी पालक, मूली, दूसरी कोई हरी पत्ती सब्जी वब्जी डाल के उसको थोड़ा सा छोंक लगाना है तो लगा लिया, नहीं तो ऐसे खूब चबा चबा के खाओ। 1.5-2 महीना खाए कैसा भी कमजोर व्यक्ति हो, पाचन के अनुसार खाए, कोई 30 ग्राम चबाए, कोई 60 चबाए, कोई 50, रुष्ट पुष्ट हो जाएगा बदन। दूसरा खजूर, 100 ग्राम खजूर में 616 पोटेशियम, 1 सोडियम, 90 लोह तत्व, 362 मिलीग्राम तांबा, मैग्नीशियम 64, 296 मैंगनीज, 62 फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स 75 ग्राम, प्रोटीन्स 181 ग्राम, वसा 15 ग्राम और ऊर्जा 277 कैलोरी। 100 ग्राम खजूर में 277 कैलोरी। तुरंत शक्ति देती है खजूर, स्फूर्तिदायक है खजूर, रक्त और मांस और वीर्य को बढ़ाने वाली है खजूर, हृदय व मस्तिष्क का टॉनिक है खजूर, कब्जियत की नाशक और कांतिवर्धक है खजूर, एकी बेकी साफ लाने वाली, डबल सिंगल को साफ सुथरा लाने वाली है खजूर, मस्तक व हृदय की कमजोरी हो तो दूध या तो घी के साथ भीगी हुई खजूर ले ले, कब्जियत को दूर करना हो तो दूध से ही ले। बड़े व्यक्ति के लिए 5 से 7 दाने और बच्चों के लिए 2 से 4 दाने खजूर। नारायण हरि हरि ओम हरि। जो कुछ खुराक वोराक कुछ कुछ बनाते उसमें भी खजूर डाल दो। मैं दूध में शक्कर नहीं डालता, मिश्री नहीं डालता, खजूर बुलवा के दो, टॉनिक बन जाती। गुरु नानक कहते हैं, गुरु पूरा वड भागी पाइए, मिली साधु हरि नाम ते आइए, गुरु में हूँ तारे भव पारी, गुरु सेवा जमते छुटकारी, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संगी सगल निस्तारा, गुरु पूरा पाइए वड भागी, गुरु की सेवा दूषण न लागी, विकारों का दूषण नहीं लगता गुरु सेवा करने वालों को, गुरु का शब्द न मेटे कोई, गुरु नानक नानक हरि सोई, गुरु की मूर्ति मन माही दियाओ, गुरु के शब्द मंत्र मनु मानो, मत को भरमी भो संसारी, गुरु बिन कोई न उतरी पारी, जन्म मरण की त्रासा मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत बढ़ाई, गुरु कर्ता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कहु नानक प्रभ इह जगाई,
बिन गुरु मुक्ति न पाई सो भाई। गुरु हमें दुखों से मुक्त करता है, अहंकार से मुक्त करते हैं, चिंता से मुक्त कर रहे हैं। हमारा असली मुक्त स्वभाव गुरु जी हमें अनुभव करा देते हैं। इसीलिए गुरु तो भगवान कृष्ण ने भी किया था, भगवान राम ने भी गुरु की शरण ली थी।